आपके पास क्या इत्तेलात है, क्या उनकी जो ख्वाहिशात बताई जा रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, मशावरत हो रही है, नवाज शरीफ साहब जब गो अहेड देंगे तभी एग्जीक्यूट करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और सारा का सारा मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तैनाती पर है। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें बताया करते थे, कस्मे खा के बताते थे शरीफ खानदान की करप्शन के मुतालिक, और हम क्योंकि भोले मासूम लोग हैं, इनकी बात पे यकीन भी करते थे जैसे हम आज कर रहे हैं। करप्शन की दास्तानें थी शरीफ खानदान से वाबस्ता, वो किस्से कहानियां नहीं है, हकीकत है। आपके पास क्या इत्तेलात है, क्या उनकी जो ख्वाहिशात बताई जा रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, मशावरत हो रही है, मशावरत पे सर जोड़ के बैठे हैं, अहम फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब जब गो अहेड देंगे तभी एग्जीक्यूट करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और सारा का सारा मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तैनाती पर है। इस तरह से मांडी वाला साहब बहुत आसान करके समझा रहे हैं, मेरे ख्याल में चीजें इस तरह इतनी आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है। तीन बातें मैं बड़ी क्विकली करूं। पहली तो ये कि जो मुवाजना है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नवाज शरीफ साहब का बनते ही नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो जिस कैलिबर की रहनुमा थी, जो उनका अंदाज था, उसका ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। फिर जैसे कि आपने जैसमिन खुद फरमाया कि वो सजा याफ्ता नहीं थी, जबकि नवाज शरीफ साहब के जो है वो करप्शन के केस हैं। इनके जो बेनज़ीर के बदतरीन मुखालिफ थे वो जरदारी साहब पे जो तनकीद करते थे बेनज़ीर को निशाना नहीं बनाया करते थे करप्शन का, वो तो हेड एंड शोल्डर अबव है। और मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त हमें बताया करते थे, कस्मे खा के बताते थे शरीफ खानदान की करप्शन के मुतालिक, और हम क्योंकि भोले मासूम लोग हैं, इनकी बात पे यकीन भी करते थे जैसे हम आज कर रहे हैं। मांडी वाला साहब जितने तरीके से सहल तरीके से बातें करते हैं, तो बात यह है कि ये ठीक है अब इनके अंदाज बदल गए और अब नून लीग इनकी तहादी है, लेकिन इसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए कि जो करप्शन की दास्तानें थी शरीफ खानदान से वाबस्ता, वो किस्से कहानियां नहीं है, हकीकत है। और उसको हमारी अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम माफिया कहा। अंदर की बात वो अब जो मेरे पूरी कोशिश ये हो रही है नवाज की सियासत से ओल्ड है, और उनकी जो पार्टी के मतलब कानूनी हलके हैं, जो उनके लॉयर उनको एडवाइस कर रहे हैं और जो उनके फदार हैं, वो समझते कि मरियम साहिबा को जो जजमेंट मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें वो बेसिस फराहम करती है कि जहां पर इस चीज को आप ओवर टर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके बहुत बड़े जो है, मैं समझता हूँ कि इसका रद्द अमल जो है वो सबसे फौरी ना हो, लेकिन पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी अदालत, पाकिस्तानी निज़ाम जो है वो सवाली निशान हो गया, और लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये हुआ क्या, कि कल तक जिस शख्स को पूरी रियासत ये कहा करती थी, सुप्रीम कोर्ट कहा करते थे, आप कह रहे कि जी अब वो है, क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर हमारा हर चीज जो है बोगस साबित होगी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी खतरनाक बात हो रही है। आखिरी बात मैं करूंगा, जो सिम्बलिज्म है ये बड़ा खतरनाक है। जैसे मांडी वाला साहब कह रहे हैं जी वो तो लीडर है, उनसे कंसल्टेशन हो रही है, लेकिन सियासत में परसेप्शन और सिम्बलिज्म अलामत बहुत अहम तरीन होती है। वो अलामत ये है कि हमारा जो वजीर आजम है आज पाकिस्तान का, उसकी हैसियत जो है बच्चा जमूरा जैसी है, और वो जो है मतलब है कि कठपुतली वजीर आजम है, क्योंकि जब तक वो पूछेगा नहीं किसी से, बरादरे खुद जब तक अपने बरादरे क्लान से पूछेंगे नहीं उनका, वो कोई फैसला नहीं कर सकते। फिर यकीनन एक सवाल है, हमारी रियासत को ही सवाल करना चाहिए कि भाई ये मतलब है आप बार बार लंदन क्यों जाते हैं, आम तरीन बातों पे फैसला वहां पे क्यों डिस्कशन हो रहा है, कि जहां पे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी ऑपरेट करती है लंदन में, वहां पर आप समझते हैं कि सिक्योर है आप, क्योंकि यहां से आपको यहां की एजेंसी से खतरा है, तो आप कंसल्टेशन वहां जाके कर रहे हैं इस आम तरीन मौजू पे कि जी किसको तैनात करना है, कि किसको बेवकूफ बना रहे, क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सिम्बलिज्म बहुत बुरा है, इसको पाकिस्तानी अवाम जो है क्वेश्चन करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज हुई है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।